साल 2011 में Why This Kolaveli Song खूब वायरल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि साल 2011 में तो ODI वर्ल्ड कप भी जीता था, तो आज हम आपको Why This Kolaveli के बारे में क्यों बता रहे हैं। उसका कारण है शाहरुख खान की फिल्म जवान, जो 7 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म का बज भी बनना शुरू हो गया है। तो जवान और Why This Kolaveli Song में एक कनेक्शन भी है। Why This Kolaveli में भले ही चेहरा एक्टर धनुष का था, लेकिन म्यूजिक के पीछे कारीगरी किसकी थी और जवान से उसका क्या लेना देना है, आज हम आपको इस स्टोरी में यही बताने वाले हैं। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2011 में Why This Kolaveli Song का कुछ पार्ट रिलीज से पहले ही लीक हो गया था, जिसके बाद मेकर्स ने इस गाने को ऑफिशियली रिलीज कर दिया। ये गाना म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र का पहला गाना था। इस गाने ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया और दुनिया के कई हिस्सों में काफी पसंद किया गया था। उस समय अनिरुद्ध रविचंद्र सिर्फ 21 साल के थे। इसी के बाद उन्होंने फिल्म 3 में भी धनुष के साथ काम किया। इसके बाद साल दर साल उनका करियर का ग्राफ बढ़ता रहा। साल 2012 यानी कि करियर के काफी शुरुआत में ही अनिरुद्ध को बेस्ट फाइंड ऑफ द ईयर, सेंसेशनल म्यूजिक डायरेक्टर और एडिशन अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। कई फिल्मों में उनके काम को काफी सराहना मिली थी। जर्सी के साथ ही विक्रम, बीस्ट और मास्टर के गाने वाथी कमिंग, जिसके म्यूजिक ने रील्स से लेकर शादी तक सभी जगह पर धमाल मचाया हुआ था, वो भी अनिरुद्ध का बनाया हुआ है। अनिरुद्ध के बनाए कई गानों के कई जबरदस्त रिकॉर्ड भी हैं। खैर, इसी के साथ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और भी खास हैं। जवान में तो उनका म्यूजिक है ही, साथ ही जवान के अलावा थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो, जूनियर NTR की फिल्म देवरा, कमल हासन की इंडियन 2 में भी अनिरुद्ध का म्यूजिक है। वैसे बता दें, 27 साल बाद डायरेक्टर एस शंकर और कमल हासन किसी फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म के डिजिटल राइट शाहरुख खान की जवान और डंकी से भी ज्यादा में बिकने की खबर है। इसी के साथ ही वो सुपरस्टार अजीत कुमार के साथ भी एक फिल्म में काम कर रहे हैं। वहीं रजनीकांत की जेलर, जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बना रही है, उसमें भी अनिरुद्ध का ही म्यूजिक है। 16 अक्टूबर 1990 में जन्मे अनिरुद्ध रविचंद्र अभी 32 साल के हैं, लेकिन इंडस्ट्री में वो जिस तेजी से काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका भविष्य काफी ब्राइट है। एक रिपोर्ट की माने तो अब तक अनिरुद्ध को 52 नॉमिनेशंस मिले हैं अवार्ड्स में, जिसमें से 30 बार वो विनर भी रह चुके हैं। वैसे जवान को लेकर रिपोर्ट्स में दावा है कि जवान के लिए उन्होंने 10 करोड़ के आसपास की फीस ली है, जबकि AR रहमान एक फिल्म के लिए 8 करोड़ के आसपास फीस लेते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। जवान के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, दोनों को ही हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है, लेकिन हिंदी गाने को रिव्यूज कुछ नेगेटिव मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों गाने किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन गाने डबिंग जैसी फील दे रहे हैं। जबकि अगर जिंदा बंदा या चलिया दोनों को तमिल या तेलुगु में सुनने पर गाने के बोल और म्यूजिक सटीक मालूम दे रहा है। खैर, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जवान में टोटल 6 गाने हैं, जिसमें 2 रिलीज हो चुके हैं, जबकि जल्द ही उसका नया गाना रिलीज हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का एक गाना फर्राटा, नयनतारा का इंट्रोडक्शन सॉन्ग फिल्म में शाहरुख खान की जो गर्ल आर्मी है उसका एक गाना, शाहरुख खान और नयनतारा का एक और गाना दिल तेरे नाल जोड़ियां भी है। इसी के साथ फिल्म ओम शांति ओम की तरह ही एंड में एक क्रेडिट सॉन्ग भी है। जवान का टाइटल सॉन्ग अनिरुद्ध और राजक कुमारी का बताया जा रहा है। आपको जवान का म्यूजिक कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।